कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है। पूरे देश से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वह दिल को दहलाने वाली हैं। लोग अपने परिजनों के लिए अस्पताल में एक बेड, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर, एक इंजेक्शन या फिर एक दवाई के लिए मेडिकल हॉल पर जूझ रहे हैं। फिर भी बड़ी मुश्किल से जान बचाने वाला इंजेक्शन मिल पा रहा है। किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ICU। लोग अस्पतालों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई है और लोग मदद के लिए नम आंखों से गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर संक्रमण के खतरे से जूझते हुए ऐसे कई लोगों की मदद कर रहे हैं। इनमें से एक हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास। यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉर रूम में IYC अध्यक्ष श्रीनिवास खुद आने वाली रिक्वेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। खुद लोगों की कॉल अटेंड करके मदद पहुंचा रहे हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कोरोना से परेशान लोगों और उनके परिजनों की समस्या दूर कर रहे हैं। श्रीनिवास के मुताबिक अब तक 40,000 लोगों ने मदद मांगी है, 5,000 लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाई गई है, बाकी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। यूथ कांग्रेस ने इसके लिए #SOSIYC इजाद किया है। लोग इसके जरिए मदद मांग रहे हैं, जिसके बाद श्रीनिवास की टीम तुरंत हरकत में आ जाती है। इसके बाद एक टीम के जरिए लोगों की प्लाज्मा, इंजेक्शन, ब्लड, दवा सहित कई अन्य जरूरतें पूरी की जा रही है। श्रीनिवास और यूथ कांग्रेस की टीम पूरे देश में लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं इसकी एक की देखिए। किसी को रांची में प्लाज्मा की जरूरत है, मदद देने वाला बेंगलुरु में है। यूथ कांग्रेस की टीम उसे बैंगलोर में संपर्क करती है और फिर फ्लाइट के जरिए उसे दिल्ली और फिर दिल्ली से रांची भेजती है। वह व्यक्ति रांची में पैच, वह व्यक्ति रांची में प्लाज्मा देकर वापस दिल्ली और फिर बैंगलोर जाता है। कभी 2100 किलोमीटर, कभी 1400 किलोमीटर की यात्रा करके मदद पहुंचाई जा रही है। जल्दबाजी की स्थिति में इसलिए हवाई यात्रा करनी पड़ रही कि खर्च भी पड़ता है। लेकिन जान बचाना प्राथमिकता है, इसलिए यूथ कांग्रेस की टीम लगातार लोगों की मदद में जुटी हुई है। श्रीनिवास कहते हैं, हम हर किसी को जो परेशान है इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार तो है नहीं, फिर भी मैं और मेरी टीम जितना संभव है उतना प्लाज्मा, इंजेक्शन वगैरह पहुंचा रही है। श्रीनिवास कहते हैं, कोई बेड मांगता है, कोई ऑक्सीजन, हम सबकी मदद करते हैं। राहुल गांधी ने पहले से ही कहा था तैयार रहिए, तो हम पूरी तैयारी से लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं अकेले कुछ नहीं, मेरी IYC टीम लगी हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।